हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप देख रहे हैं ऑटो टेक जोन। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आए हीरो के शोरूम और हमारे पीछे जो गाड़ी है हीरो एक्सट्रीम 160, जो लेटेस्ट मॉडल आया है हीरो की तरफ से। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली दोस्तों। इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे आपको इस गाड़ी के बारे में, क्या इसमें नयापन है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या इसमें नई फीचर दी है और क्या इसके इंजन की परफॉर्मेंस है, क्या पावर फिगर है, सब कुछ इस गाड़ी के बारे में आपको बताएंगे, क्या इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है, जो जो इसमें नई फीचर है सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे। पहले एंजॉय करिए इस गाड़ी को सिनेमेटिक शॉट और उसके बाद बताते हैं इस गाड़ी के बारे में फुल डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो अबाउट दिस बाइक। दिस इज हीरो एक्सट्रीम 160। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमेशा की तरह फ्रंट से, तो दोस्तों यह है हीरो एक्सट्रीम 160, जो लेटेस्ट ऑफरिंग है हीरो की तरफ से। तो इसकी हेडलाइट को देखें तो इसका हेडलाइट को पूरा LED ट्रीटमेंट कर दिया है। इसको क्या हीरो की तरफ से जो एलिमेंट दिया गया हेडलाइट में, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बोल्ड एंड काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। आप देख सकते हो तो एकदम ट्रांसफॉर्मर सा लुक लग रहा है। ये इसकी आईज की तरह से लग रहे हैं, जो इसमें एक DRL का काम कर रही है। यह इसका लो बीम है और यह इसका हाई बीम है दोस्तों। तो दिखने में लाइट काफ़ी अच्छी, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रही है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है और ये ऑल LED है। इसको मैं आपको आगे वीडियो में जला के भी दिखाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लोजअप लुक देता हूँ। यहाँ पे आपको आपका हीरो का 3D लोगो दिख जाएगा। आगे अगर इसकी बात करें, इसके इंडिकेटर को देखें तो दोस्तों ये भी ऑल LED है। थोड़ा मैं आपको क्लोजअप से दिखा देता हूँ। ये देखिए, हीरो ने इंडिकेटर में भी पूरा LED का ट्रीटमेंट दिया गया है। लाइक इस हेडलाइट, अगर फ्रंट फेंडर की बात करें तो यहाँ पे आपको व्हाइट कलर भी इस ब्लैक टोन के साथ व्हाइट कलर मिल जाएगा। तो व्हाइट और ब्लैक टोन में गाड़ी है, डबल शेड में इस गाड़ी को दिया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो गाड़ी दिखने में काफ़ी स्पोर्टी है अकॉर्डिंग टू 160 सेगमेंट। अगर मैं शॉकर की बात करूँ तो शॉकर पे आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको ABS की बैजिंग देखने को मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। बट ये जो गाड़ी है सिंगल चैनल ABS के साथ इक्विप्ड है। आपको पता है कि हीरो की मोस्ट ऑफ द बाइक्स जो स्टार्टिंग रेंज होती है उनकी सिंगल चैनल ABS के साथ ही आ रही है। यहाँ पे आपको शॉकर्स पर दिखने को रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। अगर मैं अलॉय पैटर्न की बात करूँ, अलॉय पैटर्न देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये 17 इंच का टायर है। अगर मैं फ्रंट सेक्शन की बात करूँ तो ये 100mm का टायर है, 180/17। मैं आपको थोड़ा यहाँ क्लोजअप से दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर दिख रहा होगा 180/17। और ये जो टायर है ये ट्यूबलेस टायर है और MRF का यहाँ पे आपको टायर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं MRF। तो अलॉय पैटर्न काफ़ी अच्छा लगा इस पर। ये जो रेड स्ट्रिप दिए हुए हैं अलॉय पे, ये काफ़ी इसकी स्पोर्टीनेस को और बढ़ा रही है। साथ के साथ मैंने रिफ्लेक्टर बता दिए। ये जो यहाँ पे ब्लैक पैटर्न दिया है, ब्लैक थोड़ा पन ब्लैक फिनिश दी गई है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इसकी स्पोर्टी लुक को बढ़ा रहा है। अगर मैं LED हेडलाइट की बात करूँ तो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर मैं साइड सेक्शन में आता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखिए ABS लिखा हुआ मिल जाएगा शॉकर पे इधर भी। और जो आपको डिस्क मिलेगा यहाँ पे आपको पेटल डिस्क यहाँ पे आपको मिलेगा। चाहिए जो डिस्क है 273mm का यहाँ पे डिस्क दिया है, भी सिंगल चैनल ABS। आप देख सकते हैं यहाँ पे ABS का रिंग है और जो ये टायर है वो MRF के। इधर सेक्शन की बात हो गया, हम साइड में चलते हैं दोस्तों। अगर मैं पेट्रोल टैंक की बात करूँ तो पेट्रोल टैंक 12 लीटर का यहाँ पे वाइट और ये ग्रे फिनिश ड्यूल टोन कलर फिनिश दी गई, जिससे गाड़ी ओवरऑल काफ़ी स्पोर्टी लग रही है। आप देख सकते हैं एक्सट्रीम, यहाँ पे गाड़ी पे हीरो का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे हीरो की बैजिंग है। साथ के साथ FI की यहाँ पे बैजिंग आपको मिल जाएगी। तो आप ये BS6 कंप्लाइंट इंजन तो डेफिनेटली फ्यूल इंजेक्शन में आएगा और इसके साथ आपको यहाँ पे भेज लेगा ये कैटलिक कन्वर्टर साइलेंसर में। इसके ऊपर आप छोटे से हीट शील्ड या हीट प्लेट लगाई हुई है, जिससे आपको पैर वगैरह इस पर टच ना हो और आपको कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई हार्म ना पहुँचे। अगर मैं इंजन की इसकी फीचर्स, इंजन की पावर फिगर की बात करूँ तो दोस्तों ये 163cc इंजन का, टेक्निकली बोले तो 163cc का इंजन है, लेकिन जो हीरो इसको बोल रही है 160cc की बाइक बोल रही है। जो ये पावर आउटपुट करता है वो करता है 15.3 हॉर्स पावर विथ 14 Nm टॉर्क के साथ। तो एक 150 या 160 सेगमेंट के अकॉर्डिंग अगर पावर फिगर देखें तो काफ़ी अच्छी पावर फिगर है। तो हम इतना ही उम्मीद कर सकते हैं इस इंजन के साथ। फ्यूल इंजेक्शन इंजन है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको बैचिंग भी दिख रही होगी। साथ के साथ इसमें आपको मोनोशॉक मिल जाएगा। आप देखते हैं कन्वेंशनल आपको शॉकर नहीं दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको मोनोशॉकर दिख रहा है। तो इसकी राइडिंग और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो इसका पेट्रोल टैंक के बारे में बता दिया कि 12 लीटर का पेट्रोल टैंक है, बट पेट्रोल टैंक दिखने में काफ़ी बल्कि लग रहा है, काफ़ी
हैवी लग रहा है अगर सामने से बात करें तो, ये जो एरीएमएस के जो विंग्स आगे निकाल रखे हैं, जो पैटर्न दिया हुआ डिज़ाइन पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्कूप्स जो निकाले हुए हैं, इसकी वजह से गाड़ी थोड़ी और बल्कि लग रही है, थोड़ी और हैवी लग रही है, और इसकी स्पोर्टीनेस में थोड़ी और इजाफा कर रही है। अगर मैं पेट्रोल की कैप की बात करूँ तो ये आपको सिल्वर कलर में मिल जाएगी, यहाँ पर आपको देख सकते हैं। इंडियस के मीटर की मैं बात करूँ तो दोस्तों, मैं एक बार इसको ऑन ऑफ करके ऑफ करके दोबारा से ऑन करता हूँ, थोड़ा मैं और आपको क्लोजअप दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको हीरो का लोगो लिखा हुआ लिख जाएगा, यहाँ पे आपको ऑल डिजिटल मीटर मिलने वाला है आपको। ये देखिए आरपीएम, यहाँ पे आपको स्पीड मिल जाएगी, कितनी क्लोक है आपकी ऑडोमीटर, कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है, और यहाँ पे आपको आपकी स्पीड मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको नीचे आपको फ्यूल इंडिकेशन देखने मिल जाएगा, आपकी न्यूट्रल सेक्शन की लाइट, बैटरी की लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेशन, बैटरी, आपके एबीएस की लाइट और आपका टर्न इंडिकेटर सिग्नल का यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे मिलेगी आपको हाई बीम का इंडिकेशन दोस्तों। तो ये सब कुछ था इस मीटर में, तो देखने में मीटर काफ़ी फंकी सा लग रहा है, ऑल डिजिटल, तो इसमें आपको लगभग सारी ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको देखिए दो बटन देखने को मिल रहे हैं, तो ट्रिप वन ट्रिप टू ये आपको इसमें फंक्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर मैं इसके हैंडल की बात करूँ तो देखो ये दोस्तों सिंगल रोड हैंडल दिया हुआ है, इसमें कोई स्पोर्टीनेस, और अगर इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार देते तो इसकी स्पोर्टीनेस और बढ़ जाती, बट कहीं कॉस कटिंग या इसकी राइट पोस्चर को देखते हुए इसमें सिंगल रोड हैंडल दिया हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। लेकिन अगर इसमें एक ऑप्शन देते क्लिप ऑन हैंडल बार का, क्लिप ऑन हैंडल बार देते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट इसके बट स्विच की स्विच की बात करूँ तो स्विच की क्वालिटी एज ऑलवेज जैसे हीरो प्रोवाइड करता है वैसे ही इस कुछ अलग नहीं है, कुछ ज़्यादा इसमें अच्छा प्रीमियम ट्रीटमेंट किया वैसा कुछ नहीं, जैसी क्वालिटी हीरो की आती है वैसी ही है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बटन ये हज़ार का देखने को मिल जाएगा जी, अब आपको आउटसाइडर मार्केट हज़ार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो आप सामने देख सकते हैं, मिरर में आपको दिख रहा होगा, देखिए इसकी हज़ार लाइट ऑन हो गई है। अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ देखिए बंद हो गई है, अब मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपकी हज़ार ऑन हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि आपको कंपनी इनबिल्ट एक हज़ार सिस्टम मिल रहा है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आपको बाहर अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब कंपनी से प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम आ चुका है। टर्न इंडिकेशन के बटन मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम, और आपका हॉर्न स्विच, तो हॉर्न आपकी स्विचेस की क्वालिटी मैंने आपको बता दी, सिंगल रोड हैंडल इसमें दिया हुआ है। इधर की बात करूँ तो देखिए इधर आपके यहाँ से आपको इंजन किल स्विच और सेल्फ बटन को अब एक ही कर दिया है, अब देखिए थ्री इन वन सिस्टम कर दिया। आप ऊपर करेंगे इसको तो गाड़ी किल, ये इंजन किल स्विच बन जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करेंगे एक बार तो गाड़ी ऑन हो जाएगी, और अगर आप इसको नीचे प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। वो देखिए सामने गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब मैं यहीं से इंजन किल स्विच करता हूँ, ये बंद हो गई और गाड़ी ये पूरी तरह से गाड़ी ऑफ। तो ये काफ़ी अच्छा है कि अब बटन कम्स करते जा रहे हैं, बटन कम कर दिया है और यहाँ पे एक ही बटन में ये डबल फंक्शन अप कर दिया है। पेट्रोल टैंक मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है, इसमें जो ग्राफिक्स दिया हुआ है ड्यूल टोन कलर दिया हुआ जो दिखने में काफ़ी हैवी है। अगर मैं सीट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर सिंगल सीट दी गई है, ये एक कम्प्यूटर सेगमेंट की कंप्यूटर सेगमेंट को मद्देनज़र रखते हुए गाड़ी बनाई गई, कंप्यूटर सेगमेंट में भी लोगों को थोड़ी स्पोर्टीनेस मिले उसी के ऊपर ये गाड़ी का डिज़ाइन एलिमेंट किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिंगल सीट आपको देखने को मिल रही है, कोई स्प्लिट सीट नहीं, लेकिन जो सीट है काफ़ी एंगुलर आप देख सकते हैं, तो राइडर के लिए काफ़ी अच्छी सीट है। पिलियन के लिए भी जो स्पेस दिया गया इसमें काफ़ी अच्छा खासा दिया गया, तो सीट से आपकी सीट की कुशनिंग, सीट की क्वालिटी और सीट की लेंथ से आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है, कोई आपको शिकायत नहीं मिलने वाली है। अगर पीछे ग्रैब रेल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अंडर सीट या ग्रैब रेल दिया हुआ, अलग से आपको यहाँ पर ग्रैब रेल देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, अलग से यहाँ आपको कोई ग्रैब रेल बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, अंडर सीट यहाँ पर आपको ग्रैब रेल दी गई। तो ये काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन एलिमेंट है। अगर पीछे से बात करूँ तो देखिए ये इसमें टेल सेक्शन को भी पूरा ऑल एलईडी टेल लाइट किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, आप थोड़ा मैं क्लोजअप दिखा देता हूँ, ऑल एलईडी टेल लाइट है, और उसी की तरह पीछे के जो इंडिकेटर है इसमें भी आपको एलईडी मिल जाएगी। यहाँ पे हीरो की बेंजिंग है आप देख सकते हैं, तो लाइट भी काफ़ी छोटी, काफ़ी स्लिक, काफ़ी कॉम्पैक्ट दी हुई है और दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, डिज़ाइन के साथ काफ़ी अच्छे ब्लेंड कर रहे हैं। नीचे आपको ये मड गार्ड पे फेंडर कह सकते हैं, इस पर यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं पीछे इसकी बात करूँ, इसके अगर मैं साइड में बात करूं इसके साइलेंसर के, साइलेंसर भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसके डिज़ाइन के साथ काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहा है, काफ़ी अच्छी तरह से मर्ज हो रहा है। मैं थोड़ा दूर से आपको दिखाता हूं, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्लिक सब इसका साइलेंसर है, देखने में काफ़ी अच्छा है। तो इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे, वीडियो बने रहेगी, वीडियो को स्किप मत करेगा क्योंकि एंड में आपको इस गाड़ी की आवाज़ भी सुनाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगी इस गाड़ी में किक। तो ये सब यहाँ से मैंने गाड़ी को पूरा कम्प्लीटली आपको ओवरऑल पूरा बता दिया है। पीछे देखें आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डिस्क का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है क्योंकि सिंगल चैनल एबीएस, अगर यहाँ पे डिस्क होता है ये गाड़ी ड्यूल चैनल एबीएस में आती है। अगर मैं पीछे टायर सेक्शन की बात करूँ तो पीछे आपको टायर सेक्शन 130 mm का मिल जाएगा, आप देख सकते हैं 130 बाय 70 बाय 17
और ये टायर भी आपको MRF का ही दिया गया है दोस्तों। तो अलॉय पैटर्न वही है, अलॉय पे आपको ये रेड स्ट्रिप दिख जाएगी फॉर स्पोर्टीनेस, और जो पीछे का टायर है काफ़ी अच्छा वाइड है 130 mm का, तो स्टेबिलिटी हाई स्पीड पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इसकी। जब आप इसको चलाएंगे तो इसकी राइड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 160R की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, पीछे आपको 8.5 देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, और वही साइड में बोल रहा हूँ मैं आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं चैन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्पोर्टी के लिए ऊपर सिर्फ ऊपर की साइड एक चैन कवर दिखाई है, नीचे से चैन बिल्कुल पूरी ओपन है, तो इसकी एक स्पोर्टीनेस को और बढ़ा रही है। अगर मैं बात करूँ इसके हॉर्न की तो यहाँ पे सिंगल एक आपको हॉर्न दिया गया है। तो इसके मीटर कंसोल और इस साइड से प्रोफाइल मैंने कंप्लीट आपको बता दिया दोस्तों। तो एक ओवरऑल 360 लुक मैं आपको इसका दे देता हूँ। ये देखिए इसके राइट साइड की प्रोफाइल है, फ्रंट से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए हर एंगल से मैं आपको एक बार गाड़ी दिखा रहा हूँ दोस्तों। अगर साइड से प्रोफाइल से देखें तो गाड़ी अच्छी खासी स्पोर्टी लुक दे रही है 160 सेगमेंट के अकॉर्डिंग पर। मैं इसके मिरर की बात करूँ तो दोस्तों मिरर देखिए, मिरर की साइज काफ़ी अच्छा है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, ऐसी आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। तो ओवरऑल सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो अब पहले मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करके सुनाता हूँ आपको इसके साइलेंसर के बाद, उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसकी हेडलाइट किस तरह से LED हेडलाइट किस तरह से आपको जलने के बाद दिखती है और किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के साइलेंसर नोट दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अब मैं सुनता हूँ आपको इस गाड़ी के साइलेंसर की आवाज़। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस साइलेंसर की आवाज़ आपको कैसे लगी, इसका नोट आपको स्पोर्टी लगा या कैसे नॉर्मल लगा, क्योंकि मुझे पर्सनली सुनने में काफ़ी अच्छा लगा। एक बार मैं आप लोगों को भी सुना देता हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी और सुनिए इसकी एग्जॉस्ट की साउंड नोट। तो दोस्तों पर्सनली मुझे तो इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको कैसी लगी इसकी आवाज़। और मैं आप दिखाता हूँ इसको आपको इसकी हेडलाइट किस तरह से वर्क करती है दोस्तों। देखिए दोस्तों काफ़ी शार्प काफ़ी एंगुलर इसकी हेडलाइट लग रही है, मुझे काफ़ी पसंद आई इसकी हेडलाइट, एक बार आप भी देख लीजिए। तो विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है और लुक में भी काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हीरो एक्सट्रीम 160R के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपको सारी इस गाड़ी के बारे में जानकारी दी थी, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या इसके फीचर है, क्या इसमें नयापन है, और क्या इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है। आपको सिनेमेटिक शॉट कैसा लगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब करते हैं मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी का जो प्राइस है, पहले मैं बता दूं ये गाड़ी दो मॉडल में आती है, सिंगल डिस्क के साथ और डबल डिस्क के साथ। और जो इस गाड़ी का प्राइस है वो 99,500 से लेके 104,500 समथिंग तक जाता है। मैं एग्जैक्ट प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, शोरूम का एड्रेस, शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर और पर्सन का नाम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस गाड़ी के बारे में, हीरो की किसी और गाड़ी के बारे में जानकारी लेनी है तो आप शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट शोरूम पर आकर गाड़ी देख सकते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, गाड़ी कैसी लगी है, आज की वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों क्लोज करते हैं आपकी वीडियो इसी नोट पर और मिलते हैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।